मेरा सेक्स खत्म हो गया, एक युवक की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो के बारे में किसी को भी कुछ सवाल है तो मेरा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, आपके सवाल उनके जवाब पा सकते हैं। वो ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज भी है सेक्स के बारे में। मेरा सेक्स खत्म हो गया, एक युवक की दर्द भरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तब कुछ देर बाद में युवक का फोन आया, तो जैसे ही फोन आ गया बहुत ही उसकी हेवी आवाज, बहुत ऐसा निराश और हताश बोल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मतलब भाई हुआ क्या। बोले 6 महीने पहले मेरी शादी हो गई और अभी मैं मेरे पत्नी को खुश नहीं कर सकता हूँ, हुआ क्या। नहीं बोले कभी सेक्स होता है कभी सेक्स नहीं होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेक्स खत्म हो गया। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेक्स खत्म हो गया। बोले मैं क्या बताऊं कि मैंने बचपन में बहुत धातु गमा दिया और इसलिए लगता है कि मेरा धातु अभी पूरा निकल गया और वो स्टॉक ही खत्म हो गया। फिर मैंने बचपन में बड़ी उम्र के औरत के साथ में सेक्स किया। वो हमारे घर में एक आंटी थी, वो मुझे बोलती थी कि मेरे साथ में सेक्स करो, तो उसके साथ में मैं सेक्स करता था और उससे भी लगता कि मेरा सेक्स खत्म हो गया। फिर मैं बचपन में औरतों को न्यूड नेकेड स्नान करते हुए देखता था और मैं छुप छुप के देखता था। हमारे बाजू के एक औरत शादी स्नान करते मैं देखता था और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरा धातु बहुत गलता था, तो उसके वजह से मेरा सेक्स खत्म हो गया। मैंने बहुत सारा हस्तमैथुन किया हूँ, बहुत सारा नाइट फॉल हो गया है, मतलब स्वप्न दोष होता था मुझे। मैं भी शराब भी पीता हूँ, बचपन में मैंने बहुत पोर्नोग्राफी देखी हुई है और मैंने बहुत हस्तमैथुन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेक्स खत्म हो गया। मतलब भाई आप कभी कभी कर सकते हो ना सेक्स। बोले हाँ कभी कभी कर सकता हूँ, 6 महीने में मैंने हफ्ते में एक आधी बार किया होगा। बोले फिर ठीक है ना, हफ्ते में एक बार कर रहे मतलब सेक्स कहाँ खत्म हो गया। नहीं बोले मेरे दोस्त ऐसा बोलते कि हम एक रात में 4-4 बार 6-6 बार करते हैं और मेरा तो 6 दिन में एक बार भी नहीं होता। बोले ठीक है वो बात बराबर है, मगर अभी आप दिमाग में इतना लोड लेके बैठे हुए हैं, इतना सारा टेंशन स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, मेरे जो वीडियोज है सेक्स के बारे में सभी वीडियो घुमा घुमा के फिर से देख लो एक बार। तो उसमें मैंने उसको बताया कि भाई हस्तमैथुन के बारे में वीडियो है, धातु रोग के बारे में है, सपने में धातु जाता उसके बारे में वीडियोस है, फिर प्री मैरिज इजैकुलेशन, हस्तमैथुन, फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकत्व, शीघ्र पतन, सभी वीडियो मेरे हैं। तो फिर आप ऐसा करो घुमा घुमा के देख लो, आपको काफ़ी सारा काउंसिलिंग वैसे ही हो जाएगा। और फिर उसको मैंने पूछा कि आपको सुबह सुबह उठते हैं तो इरेक्शन आता है। बोले हाँ आता है सवेरे। तो मैंने लगा सवेरे आप जब उठते हो आधी नींद में आधी जागते रहते हो, दिमाग के ऊपर लोड नहीं रहता, तो आपको इरेक्शन रहता है, लिंग में कठोरता रहती है। बोले हाँ। तो देखो ना इससे ज़्यादा आपको सबूत क्या होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, क्योंकि सेक्स खत्म नहीं हुआ है ना, तो सुबह होता ही नहीं था इरेक्शन। बोले हाँ आप तो आप बराबर बोल रहे। बोले आपको इरेक्शन रात को होता नहीं है, पत्नी के साथ में आपको लैंगिक इच्छा नहीं होती या कमजोर होता है, वो इसलिए होता है कि आपके दिमाग में आपने बहुत स्ट्रेस कर लिया, तनाव कर लिया कि मैंने बचपन में बहुत बड़ी गलती की हुई है और इसकी वजह से मेरा सेक्स खत्म हो गया। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बोले शादी होने के बाद में 2-3 दिन अच्छा था, मगर मैंने जैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि हम एक एक रात में 6-6 बार करते हैं, तो मैंने एक रात में 2 बार करने के बाद में 3रे बार मैंने कोशिश किया और मैं 3रे बार कर नहीं सका और मुझे लगा कि मैं आदमी में नहीं हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, इतना मैं ताकतवर नहीं हूँ कि मैं 3री बार कर सकूँ। और तब मेरे दिमाग में एकदम ऐसा आ गया, दिल में धड़कन आ गई और मैंने बोला कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसी समय मुझे याद आ गया कि किसने तो मुझे बताया था कि हस्तमैथुन करने से ऐसा होता है, और मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई कि भाई मैंने बहुत हस्तमैथुन किया इसलिए मैं 3री बार नहीं कर सका। तो उसके सब गलत फहमियाँ मैंने काउंसलिंग में निकाली। उसको बोला कि हम और 1-2 बार बात करेंगे और जब मेरे पास में आप आएंगे बात करने के लिए उसके पहले मेरे पूरे वीडियो देख लो, उसमें आपके कुछ सवाल होंगे तो मेरे पास में आके जवाब मैं आपको दूंगा, वो पूछ लेना है और आपका काउंसलिंग करेंगे। उसने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बोले मेरे तो अभी पूरे सवाल को जवाब मिल गए, आपने जो भी मुझे बताया इसमें मेरा टेंशन कम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी वीडियो देख के फिर से आपके पास में आऊँगा। तो ऐसे काफ़ी सारी गलत फहमियाँ लोगों की होती है और ये सिर्फ एजुकेशन से ही पॉसिबल है, इसलिए हमने एक सेक्स एजुकेशन का अलग वीडियो का यूट्यूब का चैनल चालू किया है और एक हमने सेक्स सॉल्यूशन का चैनल चालू किया है। तो ये अलग अलग चैनल से लोगों को एजुकेशन देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना जीवन खुशी से मजे से जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।